आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। जनपद मुजफ्फरनगर की नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश अनुसार जनपद में चलाए जा रहे संचारी रोग अभियान के अंतर्गत दिन रात मेहनत करने में लगी हुई है। नगर पालिका चेयरमैन के द्वारा नगर पालिका में क्षेत्र में तो साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने में लगी है, वही नगर पालिका क्षेत्र के बाहर भी लोगों की समस्याएं सुनकर उनकी समस्याओं का भी समाधान करने में लगी है। आपको बता दें कि रुड़की रोड स्थित जाकिर कॉलोनी एकता विहार जनकी प्रक्रिया लोगों द्वारा नगर पालिका चेयरमैन से गुहार लगाई गई थी कि उन्हें क्षेत्र में गंदगी और नालियों की समस्याओं से सुना पड़ रहा है, जिस पर नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने इन एरियो के नगर पालिका क्षेत्र में भी न आने पर मौके पर पहुंचकर उनकी समस्याएं सुनी और पालिका कर्मचारियों एवं अधिकारियों को बुलाकर तत्काल लोगों की समस्याओं को समाधान कराया, जिस पर नगर पालिका अध्यक्ष अंजू अग्रवाल ने इस कार्य की हर कोई प्रशंसा कर रहा है और साथ ही मोहल्लेवासियों ने भी नगर पालिका चेयरमैन की प्रशंसा कर आभार जताया। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। देखिए जनहित के कार्य हैं ये, इसमें ये नहीं देखा जाता है कि हमारे क्षेत्र में आता है नहीं आता है। जब मैं इधर से निकली तो मुझे ये लगा कि काफ़ी पानी भी भरा हुआ है, जीटी रोड है, हाईवे है और शहर से लगा हुआ है, तो सोचा कि इस पर पानी को निकलवाया जाए, तो सुपर सकर मशीन आ रही है, कल भी लगवाया था हमने और हमारी पूरी टीम नाला सफाई की भी लगी हुई है। सोचा कि हो सकता है कि नाला खुलवाने से कुछ काम चल जाए, तो दोनों तरफ के नाले भी साफ़ कराए जा रहे हैं और प्लानिंग पूरी इस तरह की है कि शहर में हम लगे हुए हैं, आपने भी देखा होगा हमारे 80% नाले साफ़ हो गए हैं और अब मैं सुजड़ू चुंगी तक, शहर से सुजड़ू चुंगी तक साफ़ करवाने के बाद इधर बहलना चौक से काली नदी तक भी इसका हमने प्लानिंग कर ली है, इसको भी हम जरूर कराएंगे जितना हमसे हो सकेगा, क्योंकि ये जब बैक मारता है पानी ये उसी की एक खास वजह है, क्योंकि नाले वहाँ आगे जाकर के बिल्कुल बंद हैं। जब तक नाले नहीं खुलेंगे या नाले नहीं बनेंगे तब तक जो है ये समस्या बनी रहेगी। हम बिल्कुल तली झाड़ नाले हमेशा साफ़ कराते हैं, काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेस भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ पानी भरने की समस्या हो जाती है और इसके लिए मैं यही चाहती हूँ कि मैं वो नाला जो है पूरा कंप्लीट करवाऊँ। पहले तो सफाई करवाएंगे, तो हमने उसकी प्लानिंग कर ली है, हम उस उधर की तरफ भी चलेंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नाला का निर्माण भी हम थोड़ा मंत्री जी से कह करके इसको करवाएंगे, जिससे कि हमारा जो है ये पूरा का पूरा ये हम इसमें सक्सेस हो जाएँ और ये जल भराव की समस्या खत्म हो जाए। पूरी प्लानिंग चल रही है शहर में कि किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो, हमेशा ये पूछा जाता है कि भाई क्या दिक्कत है, तो इधर से निकली थी तो इस वजह से मैंने ये जनहित में मैंने कहीं ना कहीं देखा जाता है प्रशासन भी इस रास्ते के पानी को लेकर फेल होता नज़र आ रहा है। प्रशासन ने टेम्परेली गड़ौंचा लगा दिया था लेकिन उस गड़ौंचे के लगने से दिक्कतें कम ना होकर वो डबल हो गई, आगे पानी भर गया, लोग आए दिन यहाँ एम्बुलेंस रिक्शाएँ पलटती रहती हैं, हादसे होते रहते हैं। तो देखिए ये तो थोड़ा सा प्रशासन को भी, शासन को भी, हमारे मंत्री जी हैं तीन यहाँ पर, उन्हें भी थोड़ा सा इस समस्या को देखना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे क्षेत्र में नहीं आता है, अगर क्षेत्र में आता तो ज़रूर भी हम सब कुछ करते। ये तो थोड़ा सा ये पानी बहुत ज़्यादा भर गया था, इसमें ये नहीं समझ में आ रहा था गड्ढा कहाँ है, सड़क कहाँ है, तो इसे निकलवाना मैंने सोचा, इसे पहले निकलवा ही दिया जाए।